हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे वीडियो में ये नए डिज़ाइन के थाल पोश बनाना सिखाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, 4 प्लाई के ऊल लिए हैं, 2 कलर के, और 11 नंबर के क्रोशिया लिए हैं। अभी हम थाल पोश बना रहे हैं। देखिए, इस तरह से उंगली में 4-5 पॉल लेके तरह से निकाल के तरह से हाफ क्रोशिया देना है। इस तरह से इसको, इस उल को हाफ क्रोशिया से ढक देना है। इस तरह से देखें, इस तरह से बना लिए। बनाने के बाद देखिए, चेन बना रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेन बना लिए। 7 चेन बनाने के बाद देखिए, इस 2 क्रोशे को, हाफ क्रोशे को छोड़ के इस तरह से 1 क्रोशे बना रही हूँ। फिर 1, 2, 3, 4 चेन लेके फिर देखिए, यहाँ पर 1 क्रोशे बना रही हूँ। 2-2 हाफ क्रोशे छोड़ के फिर 1, 2, 3, 4 फिर यहाँ पर 1 क्रोशिया बना रही हूँ। फिर 1, 2, 3, 4 फिर यहाँ पर 1 क्रोशिया बना रही हूँ। देखें, 1, 2, 3, 4 फिर यहाँ पर 1 क्रोशिया बना लिए। 2-2 क्रोशिया, हाफ क्रोशिया छोड़ के 1-1 क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, फिर 1, 2, 3, 4 4 चेन लेके देखिए, 1, 2, 3 3 नंबर क्रोशियों में इस तरह से स्टिच दे रही हूँ। देखिए, तो यहाँ पर 6 क्रोशिया बन गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रोशिया बन जाने के बाद देखिए, 1, 2, 3 3 चेन लेके फिर यहाँ पर देखिए, इस तरह से चेन में क्रोशिया बना रही हूँ। तो 1, 2, 3 3 क्रोशिया बन गए हैं। फिर 4 नंबर क्रोशिया हैं ये वाले, देखिए 1, 2, 3, 4 तो 4 नंबर क्रोशिया में देखिए, 1, 2, 3, 4 4 चेन लेके देखिए, इस तरह से क्रोशिया को लेके इस तरह से यहाँ से उनको निकालना है। फिर देखिए, यहाँ पर 1, 2 इस तरह से यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 क्रोशिया बन गए हैं। तो टोटल हम 7 क्रोशिया बना रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 क्रोशिया के क्रोशियों में देखिए, 3 इधर और 3 इधर और बीच वाले क्रोशी में ये चेन बना रही हूँ। देखिए, फिर से एक बार दिखा रही हूँ। देखिए, इस क्रोशी के ऊपर से 1 क्रोशी लेना है। तो 1, फिर 2, फिर 3 क्रोशिया बन गए हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर अभी 4th क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, इस तरह से 4th क्रोशिया बनाए हैं। तो इसके ऊपर से 1, 2, 3, 4 4 चेन लेके इस तरह से यहाँ पर क्रोशी को लेके इस तरह से फंदे को निकालना है। देखिए, इस तरह से निकाल लिए। निकालने के बाद फिर से यहाँ पर इस चेन में 1, 2, फिर 3 3 क्रोशिया बना लिए। देखिए, फिर से यहाँ पर देखिए, इस क्रोशी के ऊपर से लेके एक ही प्रोसेस में बनाना है। देखिए, यहाँ पर 1 बन गए हैं। अभी यहाँ पर 3, 2 बनाना है और तीसरे में 1, 2, 3 3 बन गए। अभी 4 क्रोशे में इसी तरह से बनाना है, इसी प्रोसेस में बनाना है। देखिए, यहाँ पर पूरा बन गया है। देखिए, इस तरह से बना लिए हैं। तो इसके बाद देखिए, दूसरे कलर को ऐड करें हूँ इस तरह से। यहाँ पर देखिए,
लास्ट वाली चेन में देखिए इस तरह से ऐसे यहाँ पर चेन बना रहे हूँ। देखिए तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चेन लिए, तीन और नौ यहाँ पर देख रहे हैं आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, इस क्रोशी में आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एक क्रोशी बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो क्रोशी हुए हैं, इस क्रोशी के ऊपर जिस क्रोशी को लिए हैं उसी क्रोशी के ऊपर से फिर से एक क्रोशी बनाना है इस तरह से। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ क्रोशिया बनाने के बाद फिर से देखिए इस क्रोशी के ऊपर से ये क्रोशी हुए हैं। तो इस क्रोशी के ऊपर से इस तरह से एक क्रोशी बना रही हूँ। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, फिर नौ क्रोशी चेन लेके फिर देखिए इस क्रोशी के ऊपर से एक क्रोशी ले रही हूँ। तो ये लाइन इसी तरह से बनाना है। देखिए कि यहाँ पर जो मैंने बनाए हैं एक क्रोशी नौ चेन फिर एक क्रोशी इस क्रोशी के ऊपर से, तो ये तो बन गए हैं। इसके बनाने के बाद देखिए ये इसी पत्तियाँ बनाना है इस तरह से। तो मैं ये पत्ती बनाना दिखा रही हूँ। देखिए इस चेन में इस तरह से लेके इस तरह से उनको ऐड करें हूँ। ऐड करने के बाद देखिए इसको इस तरह से लेके तीन बार लेना है, तीन बार लेके इस तरह से निकालना है। फिर से एक दो और ये तीन, तीन बार लेके फिर से इस तरह से निकाल देना है। फिर एक दो और ये तीन, फिर से इस तरह से निकाल देना है। फिर एक दो तीन, फिर से इस तरह से निकालना है। तो ये भी एक दो तीन चार, चार पॉप बन गए हैं। अभी और दो बनाना है। देखिए एक दो तीन, यहाँ पर एक पॉप और हो गए हैं। अब एक दो तीन, देखिए तो देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, छः पॉप बना लिए हैं। तो छः पॉप बनाने के बाद देखिए, देखिए इस चेन में ये जो खाली जगह है यहाँ पर आके इस तरह से फिर से देखिए इस तरह से तीन बार लेके यहाँ पर एक एक पॉप भरते जाएंगे। देखिए पहले एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, छः थे अभी एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए हैं। अभी इसके बाद चार बनेंगे। देखिए इस तरह से
एक दो तीन चार, ये चार बन गए हैं। अभी देखिए, एक ये दो और ये तीन, तो देखिए यहाँ पर तीन बन गए हैं। अभी ये बात देखिए, यहाँ पर इस तरह से दो, अभी यहाँ पर एक बनाना है। देखिए तीन बार लेके इसको इस तरह से हाथ से उनको पकड़ना है, फिर इसको इस तरह से निकालना है। निकालने के बाद इस ओर से एक बार फिर से निकालना है, फिर निकाल के इस तरह से ले लेना है। और इसके बाद एक चेन बना के खींच के फिर इसको कट करना है। फिर इस तरह से इसको निकाल के इस तरह गांठ मार देना है। तो इसी तरह से देखिए एक और पत्ती बनाना है। देखिए यहाँ पर से फिर से इसी तरह से जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से ये पत्ती भी बनेंगे। तीन तीन बार लेना है, एक फिर दो, तो इसी तरह से ये लाइन पूरा बन जाएगा ये पत्ते बन जाने के बाद।